नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के एरोड में कामराज की 121वीं जयंती समारोह एरोड जिले के कोपिचाटी प्लायम में आयोजित किया गया। उनके पुतले को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कामराज का 121वां जन्मदिन पूरे तमिलनाडु में विभिन्न राजनीतिक दलों और नादर संगठन के सदस्यों द्वारा मनाया जा रहा है। इसके बाद ऑल इंडिया नादर लाइफ राइट्स एसोसिएशन की ओर से कोपिचाटी प्लायम मोदाचूर इलाके में कामराज का 121वां जन्मदिन मनाया गया। उत्तरी जिला सचिव कमल नादर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में गोबी विधानसभा सदस्य भी थे। पूर्व मंत्री के ए सेनेगोटयन विशेष आमंत्रित सदस्य थे और उन्होंने कामराज के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने के बाद स्कूली बच्चों को मिठाई और शैक्षणिक सामग्री भेंट की। इस कार्यक्रम में गोबी यूनियन सचिव कुरिंजी नाथन, नगर सचिव प्रिंसियो गणेश और नगर परिषद सदस्य मुथुरामनन कार्तिकेयन और अन्य भी शामिल हुए। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमणी की रिपोर्ट। ஒரு மனிதனுக்கு கல்விக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உணர்ந்து 37,000 பள்ளிகள் ஆரம்ப பள்ளிகளை துவக்கிய வரலாறு அவருடைய காலத்தில் என்பதை நான் மறந்துவிடக் கூடாது. ஆகவே பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய புகழ் நீரோடி வாழவும் அவர் போர் சிறக்கவும் அவருடைய நினைவுகளை நாம் அனைவரும் இன்று நெஞ்சிலே தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற நிகழ்ச்சி என்பது எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் வாழ்கிற அவருடைய நினைவுகள் என்றைக்கும் போற்றப்படுகிறது, வாழ்த்தப்படுகிறது. உலகம் உள்ளவரை அவரை வாழ்த்துவார்கள். ஆகவே தேசிய தலைவர் ஒருவராக இருந்து வாழ்ந்து காட்டிய பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவருடைய புகழ் மேலும் மேலும் வளரட்டும் வாழட்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.